से कुछ साल पहले फेस्टिवल्स में मोस्टली लोग कुर्ता पैजामा नहीं पहनते थे, बट अभी के टाइम में कुर्ता पैजामा एक फैशन ट्रेंड बन चुका है, खासकर यंग जनरेशन के लिए। बट यार एक बात याद रखना, आप कुर्ते पैजामे में तभी अच्छे लगोगे जब आप कुर्ते के लिए राइट फैब्रिक और कलर चूज करोगे। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुर्ते की परफेक्ट साइज और उसकी लेंथ क्या होगी, एंड उसके साथ साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज एंड फुटवेयर आइटम्स पहनने चाहिए। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको 5 से बेस्ट कुर्ते भी सजेस्ट करूंगा जिन्हें आप इस दिवाली पहन कर अट्रैक्टिव दिख सकते हो। बट उससे पहले हम बात करेंगे 5 रूल्स के बारे में, क्योंकि इन्हें फॉलो किए बिना हम किसी भी कुर्ते में अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे। एंड डोंट वरी, इन सभी कुर्ते की परचेजिंग लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। सो पहला रूल है फिटिंग। आप कितना भी महंगा कुर्ता पहन लो, अगर वो आप पे प्रॉपर फिट नहीं आ रहा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए फिटिंग्स में आपको कुछ बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कुर्ता आपके शोल्डर और चेस्ट एरिया से प्रॉपर फिट आना चाहिए, ना ज्यादा टाइट हो और ना ज्यादा लूज। अगर बात करो लेंथ की तो वो आपके नी यानी कि घुटनों तक होनी चाहिए, बट अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो आप नी के 1 इंच ऊपर तक भी रख सकते हो। बात करो स्लीव्स की तो वो भी प्रॉपर आपकी कलाई पर एंड होनी चाहिए, और एक अट्रैक्टिव लुक के लिए स्लीव्स को हमेशा रोल अप करके रखना। रूल नंबर 2 इज चूज द राइट फैब्रिक। फैब्रिक यूजुअली 4 टाइप के होते हैं, कॉटन, सिल्क, लेनिन एंड ब्लेंड फैब्रिक। तो जब भी आप कुर्ते के लिए फैब्रिक चूज करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कुर्ता किस ओकेजन में पहनने वाले हो। लाइक अगर आपको शादी या किसी फॉर्मल इवेंट के लिए कुर्ता चाहिए तो आप सिल्क या फिर सिल्क ब्लेंड फैब्रिक चूज कर सकते हो, और अगर आपको कैजुअल या सेमी फॉर्मल इवेंट के लिए कुर्ता चाहिए लाइक राखी, होली, दिवाली, नवरात्रा, दुर्गा पूजा, तो आप कॉटन या लेनिन ब्लेंड फैब्रिक वाले कुर्ते चूज कर सकते हो। रूल नंबर 3 इज फाइंड द राइट कलर्स फॉर द राइट ओकेजंस। तो सबसे पहले बात करते हैं दिवाली की। दिवाली एक लाइटिंग का त्योहार है, तो इसमें आप थोड़े से ब्राइट कलर्स के कुर्ते पहन सकते हो लाइक डिम रेड, ऑफ व्हाइट या फिर रॉयल ब्लू। बात करूं पैटर्न्स की तो आप चिकनकारी या थोड़े एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले कुर्ते पहन सकते हो। बात करूं दुर्गा पूजा या नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स की तो उसमें आप रेड, येलो या गोल्डन कलर पहन सकते हो, एंड पैटर्न्स में आप चिकनकारी वर्क या ट्रेडिशनल बंगाली पैटर्न ट्राई कर सकते हो। रूल नंबर 4 इज अवॉइड रॉन्ग फुटवियर्स। हमेशा याद रखना आपको कुर्ते पैजामे के साथ स्पोर्ट्स शूज एंड स्नीकर्स कभी नहीं पहनने। मेरे हिसाब से कुर्ते पैजामे में पहनने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कोल्हापुरी चप्पल्स, बट इन्हें पहनते टाइम याद रखना आपके पैर एकदम क्लीन होने चाहिए, वरना आपके पैर एकदम भालू जैसे लगेंगे। बाकी आप इस तरह की जूतियां लोफर्स भी पहन सकते हो। रूल नंबर 5 इज पेयर मिनिमल एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में आप लेदर स्ट्रैप वॉच या सिल्वर स्ट्रैप वॉच पहन सकते हो, और अगर पहनना चाहो तो मेटल ब्रेसलेट या लेदर ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। बात करूं रिंग्स की तो आप एक रिंग भी पहन सकते हो। इन सभी चीजों के बाद भी एक चीज रह जाती है, वो है परफ्यूम। देखो फेस्टिवल्स में आप लोगों से मिलते हो, हैंडशेक करते हो, तो आपकी बॉडी से अच्छी स्मेल आनी चाहिए। बाकी अगर आपके पास एक अच्छा परफ्यूम नहीं है तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो ये थे वो 5 रूल्स जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी टाइप के कुर्ते में अट्रैक्टिव दिख सकते हो। बाकी अब बात करते हैं उन 5 बेस्ट कुर्ताज के बारे में, जिसमें से पहला कुर्ता है ये ब्लैक कलर का चिकनकारी कुर्ता। इस कुर्ते को आप किसी भी ओकेजन में कैरी कर सकते हो। बात करूं एक्सेसरीज एंड फुटवियर्स की तो इसमें आप ब्लैक कलर के लोफर्स के साथ सिल्वर कलर की एक्सेसरीज पेयर अप कर सकते हो। नंबर 2 पे है ये व्हाइट प्लस ब्राउन कुर्ता। अगर आपको ब्लैक से व्हाइट कलर ज्यादा बेटर लगता है तो आप इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हो। बात करूं फुटवियर्स की तो इसमें आप ब्राउन कलर की सैंडल्स या कोल्हापुरी चप्पल्स पहन सकते हो। नंबर 3 पे है ये ब्लैक एंड ब्राउन कुर्ता। इसमें आपको कलमगिरी डिजाइन देखने को मिल जाएगी जो कि ओरिजिनेट हुई थी आंध्र प्रदेश में। इसे आप ब्राउन कलर्स के चिनोस एंड फुटवियर्स में ब्राउन चेल्सी बूट्स के साथ पेयर अप कर सकते हो। नंबर 4 पे है ये बॉटल ग्रीन कुर्ता। ये जो पर्टिकुलर कलर है ये इंडियन स्किन टोन पे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसे आप लाइट कलर्स के बॉटम वेयर्स के साथ भी पेयर अप कर सकते हो एंड डार्क कलर्स के भी। नंबर 4 पे है ये नेवी ब्लू कुर्ता। नेवी ब्लू वाले कुर्ते जो होते हैं दीज आर ऑल टाइम क्लासिक। इन्हें आप डिफरेंट ओकेजंस में पहनकर मल्टीपल बॉटम वेयर्स के साथ स्टाइल कर सकते हो। इसमें ब्रांड ने बटन्स के ऊपर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया है जो कि प्रीमियमनेस ऐड करता है इस कुर्ते के ओवरऑल लुक में। इसलिए अगर आप थोड़े से क्लासी दिखना चाहते हो देन दिस कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन। तो ऑलराइट गाइस, ये थे 5 बेस्ट कुर्ताज जिन्हें आप इस दिवाली बाय कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लुक्स को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाओ।